hello students now we will discuss about thermometer and its types from chapter 5 heat and its effects as i have already told you that thermometer is used to measure temperature so first we will discuss about laboratory thermometer i am showing you the picture of laboratory thermometer द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मे येम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर इन दिस पिक्चर एज यू आर वॉचिंग इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग थिम यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब सील्ड एट वन एंड ये यहां से सील्ड होता है विद बल्ब इसको क्या बोलते हैं बल्ब फिल्ड विद मर्करी इट इज फिल्ड विद मर्करी ए शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्करी दैट कैन बी सीन फ्रॉम आउट साइड एज द टेम्परेचर राइजेस इन द मर्क्री राइजेस द मर्करी एक्सपैंड जब मर्करी में टेम्परेचर राइज हो जाता टेम्परेचर राइज हो जाता थर्मोमीटर का तो मर्करी क्या होता है एक्सपेंड हो जाता है एंड राइजेज इन टू द थिन ट्यूब कार दफ द थर्मोमीटर द स्टेम इज मार्क्ड इन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फान हाइट द हाइट ऑफ द लिक्विड की कितना वो ऊपर गया मर्की इन द स्टेम दैट गिवस द रीडिंग ऑफ द टेम्परेचर दे आर अवेलेबल इन मैनी रेंजेस बट मोस्ट कॉमनली यूज रेंज इज माइनस टेन डिग्री सी टू वन हंड्रेड टेन डिग्री सी आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स लाइक like, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है ये लैब्स में यूज किया जाता है इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग थिन, यूनिफॉर्म ट्यूब और इसके साइड पे क्या है नीचे एक बल्ब है एट द एंड दैट इज फिल्ड विद मर्करी जो टेम्परेचर है वो क्या करता है राइज करता है जैसे ही मर्करी एक्सपैंड करेगा मीन्स मरकरी जो है स्टेम में चला जाएगा वी कैन टेक द रीडिंग फ्रॉम द स्टेम

क्यों इट इज मेड अप ऑफ ग्लास सो इट शुड बी हैंडल्ड विद केयर हमें बहुत ध्यान से इसको यूज करना चाहिए इट शुड नॉट बी हेल्ड बाय द बल्ब आप इसको बल्ब से पिक नहीं करोगे इट शुड बी केप्ट अपराइट एंड नॉट टिल्टेड टेड मीन्स आप इसको हमेशा सीधा ही रखेंगे आप इसको टेढ़ा नहीं करके रखेंगे फिफ्थ पॉइंट इज द बल्ब शुड बी

आइस नाउ वी विल डू वन एक्टिविटी दैट इज टू मेजर द टेंपरेचर ऑफ हॉट वाटर. टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर डिप द बल्ब ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर इन द हॉट वाटर एंड कीपिंग इट अवे फ्रॉम द साइड्स ऑफ द बीकर मींस जो थर्मामीटर है वो बीकर के साथ नहीं टच करना चाहिए वेट टिल द मर्क्री थ्रेड बिकम्स स्टडी रीड द थर्मोमीटर वाइल इट इज स्टिल डिपिंग इन साइड द वॉटर सो इसका मीनिंग क्या है कि जब भी आप इसको थर्मोमीटर को डिप करोगे तो यू हैव टू टेक सम प्रिकॉशंस मीन्स इट शुड नॉट टच द साइड ऑफ द बीकर बीकर के साइड से नहीं टच करना चाहिए आर वेन द मर्कर स्टार्ट एक्सपेंडिंग एंड राइजेस इन द स्टेम देन वी विल वेट ट इट बिकम स्टेबल जब भी ये मरकरी एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा हम तब तक वेट करेंगे तब हम बाद में रीडिंग लेंगे जब तक ये स्टेडी ना हो जाए मीन स्टेबल ना हो जाए इसकी रीडिंग टेक रीडिंग वाइल इट इज स्टिल डिप डिम द वॉटर। आप इसको बाहर निकाल के इसकी रीडिंग नहीं लोगे यू विल टेक द रीडिंग वेन इट इज स्टिल डिप डिम दॉटर अदरवाइज इफ यू विल जस्ट uh, आप इसको बाहर निकाल दोगे देन वट विल हैपन तो क्या होगा द मर्करी विल कंट्रेक्ट एंड योर रीडिंग विल नॉट बी एक्ूरेट सो हेयर वन क्वेश्चन इज टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ द वॉटर एंड आई ऑब्जर्व द लेवल ऑफ मर्करी इन दज इट गो डाउन यस इट विल गो डाउन वाई इट विल गो डाउन बिकॉज द मर्करी विल कंट्रेक्ट वेन वी टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ द वॉटर नाउ वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द क्लिनिकल थर्मामीटर सो इन क्लिनिकल थर्मामीटर क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है बेटे? आप लोगों ने अपनी डेली रूटीन में भी वॉच आउट किया होगा टू मेजर बॉडी टेम्परेचर वी यूज अ स्पेशल टाइप ऑफ थर्मामीटर दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर सो नाउ द क्वेस्ट एराइजेस वाई वी नीड अ डिफरेंट थर्मामीटर हम लेबोरेटरी थर्मामीटर क्यों नहीं यूज कर लेते यहां पर सो इन दिस केस वी विल यूज द क्लिनिकल थर्मामीटर बट वी विल नॉट यूज अ लेबोरेटरी थर्मामीटर रीजन क्या है उसके बिहाइंड दिस इज बिकॉज द टेम्परेचर इन अ लेबोरेटरी थर्मामीटर विल फॉल एज सोन एस इट इज टेकन आउट ऑफ यूर माउथ अब आप उसको अपने माउथ में रख के तो ले नहीं सकते जैसे ही आप लेबोरेटरी थर्मामीटर अगर यूज करते हो तो उसको माउथ से निकाल लोगे तो मर्करी लेवल क्या होगा कंट्रैक्ट हो जाएगा इसलिए उससे आपकी रीडिंग कभी भी एक्यूरेट नहीं आएगी दैट्स वाई टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर वी यूज क्लिनिकल थर्मामीटर नाउ आई एम शोइंग यू द क्लिनिकल थर्मामीटर सो दिस इज द क्लिनिकल थर्मामीटर इन दिस थर्मामीटर यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर इज अंक इन द स्टेम जस्ट अब द बल्ब बल्ब के ऊपर यहाँ पे किंक है वेन द थर्मामीटर इज टेकन ऑफ योर माउथ द लीक्विड इन द बल्ब कंट्रैक्ट जैसे ही आप थर्मामीटर को बाहर निकालते हो तो लिक्विड क्या हो जाएगा द लिक्विड इन द बल्ब कंट्रैक्ट एंड द मर्करी कॉलम ब्रेक सेट द किंग मीन्स यहां पर मर्करी कॉलम ब्रेकअप हो जाएगा मर्करी कॉलम यहाँ पे ब्रेकअप हो जाएगा बट देयर फॉर द लेवल ऑफ द मर्करी इन द स्टेम रिमेन्स द सेम बट जो स्टेम में मर्करी लेवल की जैसे यहाँ पे रीडिंग आप देख सकते हो कि यहाँ रीडिंग इसकी जो आ गई है ये रीडिंग चेंज नहीं होगी जब आप इसको माउथ से बाहर भी निकाल लोगे तो यहां से किंक इसको ब्रेक कर देगा बट दिस रीडिंग दैट विल बी स्टेबल मतलब ये चेंज नहीं होगी और इट विल गिव द एक्यूरेट रीडिंग अंडरस्टूड सो नाउ वी विल डिस्कस द नॉर्मल बॉडी temperature ऑफ अ healthy पर्सन इज 37 सेवन डिग्री सी आपको मालूम ही है और सीमी सेल्सियस और 98.6 एट पॉइंट डिग्री फानहाइट आपको मालूम ही है कि आपका ते, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है सो so, अगर ये आपका बॉडी टेम्परेचर 99 हो जाता है या 100 होता है तो हम क्या कहते हैं कि आपको फीवर है सो रेंज ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस एंड 94 डिग्री फानहाइट टू 108 डिग्री फानहाइट बेटा ये क्यों है ऐसे क्यों लेते हैं इसकी जो रेंज है ये इतनी क्यों है दिस इज बिकॉज अवर बॉडी टेम्परेचर कैन नॉट वेरी बियॉन्ड दिस रेंज इससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता आपने कभी सुना है कि एक सौ आठ से ज्यादा फीवर हो गया हो सो दैट दैट विल कम इन दिस रेंज 94 फोर डिग्री फान हाइट है तो इससे 100 डिग्री हो गया या हंडर डिग्री टेम्परेचर हो गया हंडर हो गया सो so, इतनी रेंज तक तो बहुत कम जाता है सो so, अब हमने इसकी प्रिकॉशंस करनी है फर्स्ट प्रिकॉशन इट शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर एवरी यूज विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन मीन्स कि जब भी आपने थर्मोमीटर को यूज करना है सो so आपने उसको आफ्टर एंड बिफोर यू हैव टू वॉश इट एंड यू हैव टू डिप इन द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। सोल्यूशन वाई वी हैव टू डिप इन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन बिकॉज अदरवाइज एक पेशेंट के जर्म्स दूसरे पेशेंट तक चले जाएंगे सो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन उन जर्म्स को रिमूव करता है नाउ इन सेकेंड पॉइंट इट शुड बी गिवन अ जर्क टू ब्रिंग द मर्करी इन द स्टेम बैक इंटू द बल्ब मीन्स जब हम एक पेशेंट का टेम्परेचर मेजर करते हैं उसके बाद हम पहले उसको वॉश करेंगे और मोर ओवर हम उसको जग करेंगे मीन्स झटका देंगे जिससे क्या होगा कि जो मर्करी है जो राइस किया हुआ ऑलरेडी स्टेम में दैट विल बैक इन टू द बल्ब

दे डो नॉट यूज द मर्करी इसमें कोई मर्करी नहीं होता मर्करी क्या है टॉक्सिक सबस्टांस है तो ग्लास थर्मोमीटर में क्या होता है या क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या होता है मर्करी होता है सो एक तो इसकी ये एडवांटेज है और मोर ओवर टेम्परेचर विल बी डिस्प्लेड एज इन नंबर आपको इजी इसको यूज करना ईजिली आप इसको यूज कर सकते हो थर्ड प्वाइंट अगर आपको ग्लास थर्मामीटर को डिस्पोज ऑफ करना हो तो वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज मर्क्री टॉक्सिक सब्सटेंस है सो so, इसलिए जो आजकल हम रूटीन में यूज कर रहे हैं वो डिजिटल थर्मामीटर यूज करते हैं वन मोर थर्मामीटर दैट इज फोर हेड स्ट्रिप थर्मामीटर दीज थर्मामीटर्स आर जनरली यूज्ड मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ स्मॉल बेबीज अब उनके अब उनके लिए हम ग्लास थर्मामीटर क्यों नहीं यूज करते क्यों क्योंकि वन मिनट के लिए अगर आप उनके माउथ में उसको रखते हो तो मतलब वो उसको क्या कर सकते हैं प्रॉपरली कैपेबल ही नहीं होंगे उसको रखने के लिए और हम लोगों को बेबीज में उसके लिए मेजर करना ही टेम्परेचर डिफिकल्ट हो जाएगा सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप सो देट इज वेरी

so it is in the form of strip that is applied to the forehead of the baby then why it is difficult to use ordinary clinical thermometer maine मैंने आपको पहले ही बता दी ये बात कि ऑर्डनरी थर्मो को हमें यूज करना मुश्किल है क्योंकि बच्चे उसको जवाब भी सकते हैं और ब्रेकिंग होने का भी डर होता है सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग फोर हैड स्ट्रिप थर्मामीटर्स फॉर द बेबीज दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर हीट एंड इट्स इफेक्ट्स Now we will continue with our next chapter.